दोस्तों, आज के ये वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले कल कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था, उनके किस तरीके से रिजल्ट्स मिले हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें बजाज ऑटो का, तो ये एक स्विंग ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये बताया था कि अगर निफ्टी डबल टॉप बनाता है या फिर एम जैसा पैटर्न बनाता है, तो इस स्टॉक में काफी अच्छी सेलिंग आपको दिखाई देने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड में, तो चलो चार्ट के ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ खास निफ्टी ने मोमेंटम नहीं दिया, ऊपर गैप अप, पूरा गैप अप के साथ सेलिंग, एंड अगेन यहाँ पे बियरिश पैटर्न ही निफ्टी में फिलहाल बना हुआ है। तो हम बात करेंगे निफ्टी की, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कल का स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बजाज ऑटो की बात करें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट इस स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने के लिए मिला है, और इंट्राडे के अंदर ही लगभग 2%, लगभग 172 रुपये अगर आप देखेंगे तो माइनस के साथ ये स्टॉक क्लोजिंग आज दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को टारगेट इंट्राडे के अंदर ही मिल गया है। दूसरा स्टॉक दोस्तों एशियन पेंट है, तो एशियन पेंट को भी देख लेते हैं। एशियन पेंट भी दोस्तों काफी अच्छा चला है। अगर हम यहाँ पे बात करें एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट भी अभी यहाँ पे फिलहाल दोस्तों हम लोगों को काफी अच्छा टारगेट दे चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट भी कहीं में कहीं गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो शेला भी इस स्टॉक में देखने के लिए मिला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बजाज ऑटो में पोजीशन बुक हो चुकी है, और एशियन पेंट, कॉनकॉर, और इसके अलावा एक और स्टॉक था फिलहाल टीसीएस, ओके। तो टीसीएस इन सारी जो भी पोजीशन है इनमें अभी हम लोग बने रहेंगे, और आपको वेट करना है कि निफ्टी अगर यहाँ से फॉल करता है, डाउन ट्रेंड में जाता है, तो फिर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को इन स्टॉक्स में सेलिंग साइड देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हम लोगों का व्यू ये था कि यहाँ पे एक एम जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो चुका था, और इस तरीके से कुछ एम जैसा पैटर्न यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरी अच्छी चीज़ ये थी दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न भी है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कुछ ये जो डबल टॉप का पैटर्न और एम पैटर्न था, ये अभी भी एक्टिव है, यानी कहीं में कहीं गैप डाउन या फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल अगर मैं आपको एक और लाइव चार्ट दिखाऊँ, जिसमें आज मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था लाइव मार्केट में, और ये स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चले हैं, ये मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्टॉक था दोस्तों, यहाँ कहीं मैंने पोस्ट किया था, और अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिला है। दूसरा दोस्तों, एक और स्टॉक मैंने दिया था ONGC का, ONGC को देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे पहली ही कैंडल कहीं कहीं हम लोगों को ह्यूज टारगेट दे दी थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बना था, और मैंने बताया था कि इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे आप लोगों को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है, लेकिन अगर हम लोग दोस्तों टारगेट की बात करें तो फर्स्ट कैंडल में ही लगभग लगभग 3% के आसपास का टारगेट मॉर्निंग में ही इस स्टॉक के अंदर मिल गया था। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको तभी आएगी जब आप लोग मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, एनालिसिस को प्रॉपर वॉच करेंगे, मेरे वीडियोस देखें या फिर किसी और के देखें, लेकिन आपको कंसिस्टेंट मार्केट से अगर पैसा निकालना है तो कहीं कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब दोस्तों, यहां पे अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ एक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सके। तो दोस्तों, यहां पे आज एक ही स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, ओके। तो IDFC फर्स्ट बैंक को यहाँ पे इसके चार्ट को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिला है। जब भी दोस्तों ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न लंबा होता जाता है, मतलब कि सिमिलर कुछ इस तरीके से बनाता है जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, तो इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में क्या होता है कि ब्रेकआउट भी काफ़ी बड़े और अच्छे ब्रेकआउट मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्विंग की बात करें तो स्विंग ही देखेंगे कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्विंग यहाँ कहीं बना था, सेकंड स्विंग दोस्तों यहाँ पे बन चुका है, तीसरा स्विंग दोस्तों यहाँ पे बना है, और आज थोड़ा सा निफ्टी कहीं में कहीं वीक था और फ्लैट था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक दो रेड कैंडल्स बनी हुई है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस
को आप डाउन ट्रेंड के लिए बिल्कुल मत सोचना, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। आप हो सके तो 74 या 72 रुपए की स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों इस स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं 100 रुपए तक के लिए। तो 100 रुपए आपका पहला टारगेट होगा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ पे सिमिलर वही स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट यहाँ पे बड़ी बड़ी बायर्स कैंडल बन रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो ये पैटर्न होता है ये भी कंप्लीट हो चुका है और आप लोग यहाँ पे बाइंग की पोजिशन में रह सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट मिलने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई इस स्टॉक के अंदर दे रही है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप ऑप्शन और फ्यूचर के पीछे अपना टाइम, अपना एनर्जी और अपना मनी वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की काफ़ी कम होती है और ज़रा भी अगर आपका डिसिप्लिन इधर उधर हुआ तो आपको लॉस गारंटेड है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्विंग ट्रेड के अंदर आप आ जाओ, काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। देखिए जब आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे, चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ना सीख जाएंगे और देखना शुरू कर देंगे तो चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। इंट्राडे के अंदर ही मैंने ये सारे आपको पोजीशन दिखाए हैं। देखिए दिखाने का मेन मोटिव यह है दोस्तों कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से टारगेट्स निकाले जाते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे इंट्राडे के अंदर ही इतने बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको भी मिलेंगी और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कंसिस्टेंट और एक लॉन्ग टाइम तक आप स्टॉक मार्केट साथ जुड़े रहें और पैसा निकालते रहें तो आपको 200 स्विंग ट्रेड में ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहोगे और फिर लास्ट में आप लोग इस मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ उनमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक्सपीरियंस ऐड होता है, चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस किया है और सिर्फ मैंने ये चीज़ें जो सारी चीज़ें मैंने फेस किया इस मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे उन गलतियों को मत करो जो मैंने किया है, ठीक है। आप उन सारी चीज़ों को करो जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़े विनिंग होने की, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से पैसा निकाल पाओ। तो दोस्तों ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ ऐड हो सकते हैं बट आपको कंसिस्टेंट लगातार मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर इंट्राडे के अंदर ही देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छे अच्छे टारगेट्स बुक हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक में आप लोग सेलिंग बिल्कुल मत करना। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है ये कहीं कहीं निफ्टी की वजह से दिखाई दे रही है। जैसे ही निफ्टी यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास जाएगा ये स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल आपको अपसाइड की देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप लोग बाइंग करके चल सकते हैं। ये एक मेरा पर्सनल फॉर लर्निंग पर्पस एक स्टॉक का एनालिसिस वीडियो है जिसमें आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों मेरी पोजीशन बनी हुई है, मैंने करीब करीब 78 के लेवल के आसपास पोजीशन बना के रखा है। मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों करीब करीब 70 के आसपास है तो यहाँ पे 8 रुपए के स्टॉप लॉस दूंगा, लेकिन जो मेरे टारगेट्स होंगे दोस्तों करीब करीब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग लगभग 1:3 तक का टारगेट जरूर लूंगा। तो मैं वेट करूंगा दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न मुझे अभी इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। चलिए फिर मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, तब तक ले हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।